जी मैं मोहम्मद अफान, एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ का संवाददाता। इस समय कानपुर शहर के मोहम्मद अली पार्क में, जहां पे धरना प्रदर्शन में महिलाएं बैठी हैं, वहां पे मौजूद हूं। और ये ठीक शाहीन बाग की तर्ज पे हो रहा है और अब अनिश्चितकाल के लिए हो रहा है। और ऐसी इनकी मांग है कि जब तक के CAA वापस नहीं होता, तब तक ये विरोध प्रदर्शन धरना नहीं बंद होगा। और इसके बारे में आइए जानते हैं यहाँ के कुछ लोकल लोगों से। जी मोहम्मद हनीफ घोसी जी, ये बताइए कि ये जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, यहाँ के जितने भी लोग हैं, इनको किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हो रही? नहीं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। वो तो जो है प्रशासन अभी चाह रहा था कि यहाँ से हटा दिया था, सड़क पे आगे बैठ गई औरतें, और जब सड़क पे आगे बैठ गई तो सारा बंद हो गया। तब उन लोगों ने हाथ पैर जोड़ा, भैया आप वहीं चले जाओ पार्क में। तो 5-6 दिन लग गया औरतों को मनाने में, तब यहाँ पार्क में फिर लाए। अच्छा, ये जो मेन मांग है इन महिलाओं की, वो सरकार से क्या है? मेन मांग चाहे वो NPR हो, चाहे NRC हो और चाहे CAA हो, ये तीनों मतलब सरकार की मंशा अच्छी नहीं है। सरकार की मंशा नहीं तो नहीं है। हम तो बहुजन समाज पार्टी के सिपाही हैं, हमको तो 1984 जब से पार्टी बनी है, हमको 1585 का मामला सिखाया गया। हम जानते हैं कि बहुजनों का हक ये मार रहे हैं, और आज वही चीज़ ये घुमा के ले आए जो डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें कानून में अधिकार दिया है। ये अधिकार वो देना नहीं चाहते थे। ये कहते थे कि अधिकार उनको होना चाहिए जो सवर है, अधिकार उनको होना चाहिए वोट देने का जो कम से कम 200 बीघे का काश्तकार है, अधिकार उसको होना चाहिए जो कम से कम ग्रेजुएट है। वो हमारे समाज में ना दलित समाज में पाए नहीं जाते थे। अरे बंटवारे में पढ़ा लिखा मुसलमान सब पाकिस्तान चला गया, यहाँ तो सब ठेलिया खोमचे वाले बचे, मिल के मजदूर बचे। अब वो हम हमारा वोट का अधिकार नहीं दे रहे थे। डॉक्टर साहब अम्बेडकर का एहसान है कि उन्होंने सबको अधिकार दिलाया, हमको भी अधिकार दिलाया। हम तो बहुजन समाज पार्टी के सिपाही है। बहुजन समाज पार्टी 1585 का नारा देकर चलती है, हम उसी पे कायम है। हम ये NRC चाहे CAA हो और चाहे NPR हो, उसी NPR के द्वारा ही हमें धोखा दे के NRC में लागू करना चाहते हैं। इसलिए हम कतई इसके खिलाफ है। बिना इसके वापस हुए ये धरना खत्म नहीं होगा यहाँ से। अच्छा, जैसा कि देश के गृह मंत्री ने भी आश्वासन दिया और प्रधानमंत्री जी ने भी, कि ये जो CAA का कानून है, CAA का, ये किसी की नागरिकता जो है वो लेता नहीं बल्कि देता है, तो इस आश्वासन के बाद भी आखिर क्या वजह है कि उनकी इस बात के ऊपर लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं? उनकी बात का भरोसा कैसे किया जाए? उन्होंने पहले 5 साल में आए तो उन्होंने जो जो कहा क्या पूरा किया? उन्होंने किसी बात को पूरा नहीं किया। चाहे 15 लाख हो और चाहे वो रोजगार की बात हो कि 2 करोड़ रोजगार दे रहे थे और वो छीन रहे, उन्होंने उस 5 साल में पूरा नहीं किया। वो आए थे चाय वाला बन के और दूसरे में बन गए चौकीदार, और चौकीदार बनने के बाद ये सब लेके आ गए। तो उनकी मनसा ही नीयत ठीक नहीं है, तो अब उसका क्या किया जाए? उनकी भरोसा इसलिए नहीं हो रहा है कि उन्होंने जनता के हक में कोई ऐसा काम नहीं किया भरोसा कर लिया जाए। प्रधानमंत्री कुछ कहता है, गृह मंत्री कुछ कहता है, कानून मंत्री कुछ कहता है, इनकी बात का कोई सर धरा नहीं है, कैसे माना जाए? और फिर जनता कह रहे हैं तुम बात बनवाना चाहते हो तो चले जाओ शाहीन बाग, देश का कलेजा है, वहीं से शुरुआत है, आप वहीं जाइए, वहीं बयान दीजिए, वहीं अपनी बात बताइए जनता को कि ठीक है हम आपकी बात मान रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने लोकसभा में पारित कर लिया, आपके पास बहुमत था, आपने पारित कर लिया, क्या विपक्ष ने विरोध नहीं जताया? सारा विपक्ष चिल्लाता रहा कि ये गलत है, ये ना करिए, लेकिन बहुमत के आधार पर आपने पास कर लिया। राज्यसभा में तो आपका बहुमत भी नहीं था, आपने नोट दिखाया, खरीद लिया, 14-14 मुसलमानों ने वोट दिया है, बिखर के वोट दिया है ना। अब उनको समझ में आया होगा, औकात हाथ पे आई होगी कि आज हमारी औरतों ने हम मोर्चा संभाला है। अच्छा, अभी हाल ही में हमने देखा कि एक गैर जिम्मेदाराना बयान MIM के जो एक वारिस प्रधान सदस्य हैं, उन्होंने दिया 15 करोड़ 100 करोड़ पे भारी पड़ेंगे, जो कि देखा जाए तो इनकी मजम्मत करने वाला बयान है। इस पे आपकी क्या राय? नहीं, वो ऐसे बयान की तो मजम्मत की जा सकती है। हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, तो हम भारत के संविधान की बात करेंगे, भारत की बात करेंगे। तो वो जो कह रहे हैं पठान साहब, वही तो उनके लोग कह रहे हैं। सब उनके बयान में आपके बयान में क्या अंतर है फिर भाई? ये गलत बात है। आप खाली वो ये किसी को चैलेंज मत कीजिए, जो संविधान में अधिकार है वो काम कीजिए। मतलब कि ये शाहीन बाग में बैठे लोग या मोहम्मद अली पार्क में बैठी महिलाएं उस तरह के किसी भी बयान का समर्थन नहीं करते? नहीं करती। हम सिर्फ भारतीय संविधान का मान रखने के लिए, संविधान को बचाने के लिए ये आंदोलन चला रहे हैं, क्योंकि इन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाई है तब ये कानून पास किया है। अगर वो बिल ये ले आते कि इन हमेशा 10 साल बाद होती है,
इस बार भी होती तो आप ये जो CAA है NRC न लाए होते, खाली NRP लागू करते, वो हो जाती। आपकी नियत ठीक नहीं है, NPR के जरिए ही आप NRC को चालू कर देंगे। आप कह रहे हैं NRC तभी हम लाए नहीं है, ये सब झूठ बोल रहे हैं, मक्कारी कर रहे हैं, इनके इसलिए भरोसा नहीं हो रहा है। बोले देश के प्रधानमंत्री आज तक झूठ ही तो बोल रहे हैं, आप सच कहाँ बोल रहे हैं। और जबकि ये भी कह दिया गया कि जब ये इस बात की मांग उठी हम कागज नहीं दिखाएंगे, तो सरकार ने ये भी आश्वासन दिया है कि कागज दिखाने की आवश्यकता भी नहीं है और आपको केवल मुंह जबानी ही सारी डिटेल बतानी होगी। वो सब मांगेंगे, जबानी मांग लेंगे, बात तो वही आई, जबानी पूछ लेंगे, हो गया उनका काम, मांग लेंगे, लाइए ID लाइए, अब आधार लाइए। तो अभी तो कह रहे हो कि हम ये आधार है, ID है, पैन कार्ड है, हम ये कुछ मानेंगे नहीं, और अब तुम ये कह रहे हो तो तुम्हारी बात में क्या फर्क रहा? पहले तुमने कुछ कहा, अब ये कह रहे हो, तो इसलिए इनकी बात का भरोसा नहीं है। यही है कि ये कानून इसको वापस लेना चाहिए, ये जालिमाना कानून बनाया उन्होंने, जो उनकी मंशा है वो बहुत खराब है। इनके कानून में जो मनुवाद का कानून है कि आप हंडिया गले में टांगिए, थूकिए तो हंडिया में थूकिए, कमर में झाड़ू बांध के चलिए, चलिए तो कदम के निशान मिटा के चलिए, ये उनकी नीयत है, वही वो फिर करना चाहते हैं। हमारे लिए तो ये करेंगे कि हमको डिटेंशन सेंटर में डाल देंगे, जो यहाँ का दलित बैकवर्ड जो बचेगा उसका वोट का अधिकार छीन लेंगे, उनकी सरकार चलेगी, इनकी उनकी मंशा है। वो वोट का अधिकार जो हमें मिल गया वही उनको खल रहा है, वो वोट का अधिकार छीनना चाहते और हम ये होने नहीं देंगे। डॉक्टर अम्बेडकर के कानून में अब सबको अधिकार है, हमारा अधिकार बरकरार है, उसलिए ये जंग लड़ रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस तरह से बात करने के लिए। आइए कुछ और लोगों के इसके बारे में विचार जो है व्यक्त करते देखते हैं। देखा जाए तो इस वक्त हम लोग सीधे मोहम्मद अली पार्क में जहां धरना प्रदर्शन महिलाएं दे रही हैं उधर ही की तरफ बढ़ रहे हैं, और आप खुद ही देख सकते हैं कि आखिर किस तरह से यहां के ऊपर महिलाएं पूरी तरह से धरना प्रदर्शन दे रही हैं। आप चाहें तो देख लें, और देख लें यहां पे देखा जाए तो पूरी तरह से भाई बंद करिए, आ जाइए भाई, हमले की जारी है, और ये विरोध प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक के सरकार इस CAA के कानून को वापस नहीं ले लेती। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।